नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज हम बात करेंगे कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का क्लाइमेट चेंज की स्टडी में क्या एप्लीकेशन है। टुडे विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन क्लाइमेट चेंज स्टडी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस पार्ट 5, एप्लीकेशंस ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस इन क्लाइमेट चेंज स्टडीज। These are the two maps prepared by NASA, and I'll be discussing these two live maps in detail to show you what remote sensing can and GIS can do regarding climate change study. So, आज ये जो दो NASA के maps हैं, ये live maps हैं, इनको detail में बताऊंगी कि कैसे remote sensing और GIS की मदद से climate change की study world over NASA के द्वारा और भी जगह agencies के द्वारा हो रही है। तो let's ओपन दिस मैप। तो ये एक मैप है लैंड सरफेस टेम्परेचर का, ठीक है। अब ये लैंड पूरे वर्ल्ड का मैप है, तो जीआईएस की मदद से जो भी डेटा रिमोट सेंसिंग ने लिया उसको हमने एक मैप पे कन्वर्ट कर दिया। जीआईएस यही करता है, एक सॉफ्टवेयर है जो रिमोट सेंसिंग के हर डेटा को मैप पे कन्वर्ट कर देता है, मैप बना देता है, और उस मैप से उस जगह के बाकी सारे डेटा जो रिमोट सेंसिंग से नहीं भी लिए गए हैं, जो नॉर्मली आपने एक एक करके कलेक्ट किया जैसे सेंसर्स वगैरह, वो डेटा को उस मैप से ज्वाइन कर देता है। तो खैर, इस बार इस वक्त हम क्लाइमेट चेंज की स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है। अब ये लैंड सर्फेस टेम्परेचर का मैप है। तो जनरली जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है नॉर्थ पोल के आसपास, और सदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल के आसपास जो लैंड सर्फेस टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, तो वो नेगेटिव में होता है। तो यहाँ पे जो एक्सटेंट है, एक तरफ -25 है और एक तरफ +45 है। लैंड सरफेस टेम्परेचर वर्ल्ड में इसी इसी बीच में वैरी करता है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ डार्क ब्लू है, मतलब -25 की साइड है, और बीच में इक्वेटर के आसपास ये लाइट है, पिंकिश है, पर्पलिश है, मतलब कि ये 10 डिग्री से ऊपर है और 45 डिग्री के आसपास के रेंज में ये रहता है। अब ये मैप लाइव मैप है, मतलब फेब्रुअरी 2000 जो ईयर था, फेब्रुअरी 2000 से लेके सितंबर 2022, मतलब 22 साल के बीच में हर एक महीने में कैसे कैसे अर्थ का टेम्परेचर चेंज हुआ है वो ये मैप दर्शाता है। तो सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग की स्टडीज हुई हैं पिछले 22 साल में, और उससे रिलेटेड जो लैंड सरफेस टेम्परेचर जो बदला है वो ये मैप दर्शाता है। तो जैसे इसको मैं ऑन करूंगी तो देखिए, फरवरी से बढ़ाइए मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और हर महीने में किस तरह से लैंड का सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे हम ये रोकती हूँ, मैं ये रोकती हूँ अक्टूबर 2001 पे। तो अक्टूबर 2001 में अक्टूबर जो महीना है वो बहुत गर्म नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल भी ठंडा भी नहीं होता है, गर्म हल्का गर्म महीना होता है। सेप्टेम्बर तक तो बहुत ही गर्म होता है। तो यहाँ देखिए लैंड सर्फेस का टेम्परेचर, सॉरी, ये ज्यादा से ज्यादा पिंकिश पॉपुलिश की तरफ है। इवन इन नॉर्दर्न अमेरिका में भी, यूरोप में भी ये पिंकिश पॉपुलेशन, मतलब थोड़ा हॉट है। और यही जब दिसंबर में देखिए ये फिर ठंडा हो गया है, ये फिर इस रेंज में -25 की तरफ बढ़ रहा है, ये डार्क ब्लू की तरफ बढ़ रहा है। तो यही ये मैप दिखाता है। आप इस मैप को पूरा देख लीजिए, मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप अपनी तरफ से स्टडी कर सके। सो दिस इज अ लैंड सर्फेस टेम्परेचर एंड दिस शोज व्हाट जीआईएस कैन डू स्टार्टिंग फ्रॉम फेब्रुअरी 2000 टू सेप्टेम्बर 2022। डेटा वॉज रिकॉर्ड, लैंड सर्फेस टेम्परेचर डेटा वॉज रिकॉर्डेड बाई रिमोट सेंसिंग एंड इट वॉज मैप्ड यूजिंग अ जीआईएस सॉफ्टवेयर ऑन द वर्ल्ड मैप। सो एवरी लोकेशन ऑफ द वर्ल्ड वॉज द डेटा फॉर लैंड सर्फेस टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड देन अ लाइव मैप वॉज प्रिपेयर रिगार्डिंग हाउ फ्रॉम एवरी मंथ स्टार्टिंग फेब्रुअरी 2000 टिल सेप्टेम्बर 2022 हाउ द लैंड सर्फेस टेम्परेचर चेंज। सो दिस रेंज ऑफ टेम्परेचर इज फ्रॉम -25 हियर द डार्क ब्लू अप टिल 45 डिग्री सेल्सियस हियर विच इज द पिंकिश। सो एज यू कैन सी इन द मंथ ऑफ नवंबर हियर द लैंड सर्फेस टेम्परेचर इज समवट कोल्डर, सो इट्स मोर डार्किश ब्लूइश कलर एंड देन इट बिकम्स कोल्डर इन फेब्रुअरी। देन अगेन लुक इन जून विच इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन मोस्ट कंट्रीज द होल लैंड सर्फेस टेम्परेचर चेंजेस एंड इट becomes near in the near 45 degree Celsius range, like in between 10 to 45 degree Celsius of range.
अराउंड द वर्ल्ड एक्सेप्ट अंटार्क्टिका. सो अंटार्क्टिका इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज परमा फ्रॉस्ट कवर्ड विद स्नोज थ्रू आउट द ईयर. सो लैंड सर्फेस टेम्परेचर डजेंट चेंज अ लॉट इन अंटार्क्टिका एंड इट्स अ गुड न्यूज फॉर अस. बट इट इज बट स्टिल कंपेयर टू ईयर 2000 द लैंड सर्फेस टेम्परेचर ऑफ अंटार्क्टिका ऑल्सो इज चेंजिंग in the year 2022. So in between the past 22 years there have been land surface temperature changes in Antarctica as well, and that is why the ice is melting. So a more detailed study of this map will reveal all of that. Okay, this map was prepared by NASA. This is the NASA website. So I have used this map. So see, just it's a live map, so you can see what remote sensing and GIS can do, like the entire earth surface temperature varying between seasons, years, months. You can see it all live. Like, what was it? August 2014, October 2014, November, December, then again 2015, and likewise, it will go till 2022. So this is what remote sensing and GIS can do with regard to climate change. So you have seen enough of this map. I'll give the link in the description box. Now I want to show you this map, which is the vegetation map. So here, first, look at the vegetation map. So here, vegetation has been indexed. इसको एक index के form में कर दिया गया है. So -0.1 जहाँ पे है मतलब vegetation least है. और उसका color ये tan में दिया गया है, light color. और जहाँ greenery, जहाँ हरियाली, जहाँ vegetation maximum है, उसका index है 0.9. ठीक है. तो ये ऐसे है. अब आप देखिए, ये जो area है अफ्रीका का, तो हमें तो पता है अफ्रीका में घने जंगल है, तो उनका वेजिटेशन का जो लेवल है वो ज्यादा है, मोर ग्रीन है, 0.9 की तरफ है. और यहाँ साउथ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में अमेज़न फॉरेस्ट है, तो वहां पे ये ऐसे है. इसके अलावा अफ्रीका में फिर फॉरेस्ट हैं, तो 0.9 उसका इंडेक्स है. और फिर इसी तरह से देखिए, जैसे ये लाइव मैप है, अब यहाँ पे देखिए, जब ये अप्रैल मई का महीना है, तो मई का महीना गर्म होता है, तो वेजिटेशन को तीन चीजें चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और रेन्स होना चाहिए. तो मई के महीने में जब टेम्परेचर और सनलाइट दोनों अवेलेबल होता है, तो ग्रीन ज्यादा हो जाता है. ठीक है. और मैक्सिमम ये अभी जस्ट हुआ था, ये अगस्त में ग्रीन होता है. मैं फिर से दिखाती हूँ. अब ये देखिए, जुलाई अगस्त में ये जब बारिश होती है मोस्टली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, मॉनसून की वजह से अफ्रीका में भी होती है, इंडिया में भी होती है, और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होता है, मॉइस्चर भी होता है और सनलाइट तो होता ही है, तो ये ग्रीन ग्रीन जो है वो मैक्सिमम है. और ये इसी तरह से वेजिटेशन का मैप है जो प्रिपेयर किया गया है नासा के द्वारा. ये भी क्लाइमेट चेंज की स्टडी का पार्ट है, क्योंकि वेजिटेशन तो सबसे बड़ा इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का. So let me repeat everything in English. So this is a map of vegetation. The vegetation here has been indexed between -0.1 to +0.9. -0.9 means vegetation is almost nil, and +0.9 is vegetation is maximum. So this is a live map starting from March 2000 to August 2022. So all the study was done between March and August. March 2000 and August 2022 for more than 22 years to show how the vegetation pattern changes every month within a year and how one year varies with another year due to global warming or climate change. So this is what climate change can do. So this is a map prepared by NASA. I'll give the link in the description box and you can see the entire map there. Apart from that, there is snow cover. So ab ye snow cover ka map hai, aur ye sare hi maps कंपेयर किया जा रहा है लैंड सरफेस टेम्परेचर से. जैसे ये पिछला मैप जो था, इसको अगर मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ये कर दूं और अभी मैं खोलूं इसको, ठीक है, तो क्या होगा कि नाउ यू कैन कंपेयर द चेंजेस इन लैंड सरफेस टेम्परेचर विद द चेंजेस इन वेजिटेशन, एंड यू कैन सी व्हेन द लैंड सरफेस बिकम्स हॉट द वेजिटेशन बिकम्स ग्रीन. तो जब लैंड सर्फेस टेम्परेचर हॉट हो रहा है तो वेजिटेशन ग्रीन हो रहा है, और जब लैंड सरफेस टेम्परेचर कम हो रहा है, ठंड की तरफ जा रहा है, तो वेजिटेशन भी कम हो रहा है. तो ये लैंड सरफेस टेम्परेचर और वेजिटेशन का रिलेशनशिप दिखा रहा है, हर एक महीने में कैसे वेरी कर रहा है और हर एक साल में कैसे वेरी कर रहा है. और ये क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है. अब हम दूसरा देखते हैं, स्नो कवर. सो अगेन वी कंपेयर द स्नो कवर विथ द लैंड सर्फेस टेम्परेचर. क्लियरली
द कोल्डर द लैंड द हायर द स्नो कवर एंड व्हेन द लैंड गेट्स वार्मर द स्नो कवर स्टार्ट्स मेल्टिंग और डिप्लीटिंग. तो जब जमीन की सतह ठंडी होगी तो जब बर्फ उस पर जमी रहेगी, जमीन गर्म होगी तो बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, और जो लैंड सर्फेस टेम्परेचर है उसको एयर टेम्परेचर से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करेगी. जो लैंड सर्फेस टेम्परेचर होता है वो सैटेलाइट के द्वारा ये मॉनिटर किया गया 22 सालों तक, और ये हमें व्यू मिला. पर जो डेली आप वेदर देखते हैं ना, वो बेसिकली वो लैंड सर्फेस टेम्परेचर नहीं है, वो तो एयर का टेम्परेचर दिखाता है. ठीक है, सो एवरीडे वेदर फोरकास्ट इज योर एयर टेम्परेचर, इट्स नॉट योर लैंड सर्फेस टेम्परेचर. दिस इज डिफरेंट. लैंड सर्फेस टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द लैंड विच इज मेजर्ड बाय सैटेलाइट एंड मैप यूजिंग जीआईएस ऑन दिस वर्ल्ड मैप. सो लेट्स सी अ कंपेरिजन. सो दिस इज राइट नाउ द कोल्डर पार्ट, देयर इज स्नो. अंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट, -25, एंड देयर इज स्नो. सो लेट्स सी वॉट हैपन्स आफ्टर एवरी मंथ. लाइक लुक हियर, द होल वर्ल्ड इज बिकमिंग, द लैंड सर्फेस टेम्परेचर इज नाउ टर्निंग टू पिंकिश. इट्स द वर्ल्ड इज बिकमिंग हॉटर इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड द स्नो इज ऑल्सो मेल्टिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई. तो ये कंपेरिजन है. अभी देखिए, ये गर्म मौसम है जुलाई, और पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर, लैंड सर्फेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसी तरह से जो स्नो कवर है पूरे वर्ल्ड में जहां तक वो भी घट रहा है. तो यही कंपेरिजन है. ठीक है, यही कंपेरिजन ये चलता रहेगा. इसका भी लिंक देखिए फिर कैसे हर महीने के साथ, जब जैसे ही अर्थ का टेम्परेचर, लैंड सर्फेस टेम्परेचर घटता है, स्नो कवर बढ़ता है, लैंड का टेम्परेचर बढ़ता है, स्नो कवर मेल्ट होता है, घटता है. तो यही ये मैप है. तो ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने हर स्लाइड में बहुत ज्यादा टेक्स्ट डालती हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स की डिमांड आती है कि मैम प्लीज हमें नोट्स चाहिए. तो मैंने हर स्लाइड में टेक्स्ट डाल दिया ताकि आपको नोट्स मिल सके. लेकिन ये मैं आपको समझाना चाहती थी कि कैसे रिमोट सेंसिंग की स्टडी नासा कर रहा है, और दूसरे देशों में भी इसी तरह से हो रही है स्टडीज अलग अलग. ठीक है, एंड सो आई जस्ट शोड यू सो दैट यू नो हाउ रिमोट सेंसिंग इज एंड जीआईएस इज बीइंग यूज्ड फॉर क्लाइमेट चेंज स्टडी across the world. Now let's come to the notes part, because all of you I know who want to copy down notes from my slides and pass in the exam, and that is also equally important. So here it is: other applications of remote sensing and GIS in the study of climate change. So here it's everything is in the text form. Remote sensing and GIS can help in monitoring the progress on sustainable development goals outlined by the UN. तो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमें दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिसको 2030 तक हमें कर लेना है, उनके प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं. कैसे? जैसे अभी हमने किया कि कहाँ कहाँ पे लैंड सर्फेस टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे वेजिटेशन पे क्या असर पड़ रहा है, उससे ग्लोबल टेम्परेचर को कैसे रिलेशन है. तो ये हम प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं. अगर हमने कोई एफर्ट लगाया है अपने टारगेट्स को मीट करने के लिए, तो क्या वो एफर्ट रियल में दिख रहा है कि नहीं, कि क्या वहां वेजिटेशन बढ़ रहा है कि नहीं, क्या वो पोल्यूशन घट रहा है कि नहीं. ये सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसकी प्रोग्रेस को हम जीआईएस और रिमोट सेंसिंग की मदद से मॉनिटर कर सकते हैं. कैसे? पहले लैंड सर्फेस टेम्परेचर को हम मॉनिटर कर लेंगे, वेजिटेशन कवर को हम मॉनिटर कर सकते हैं, एयर पोल्यूशन लेवल को हम मॉनिटर कर सकते हैं. इन सब चीजों से पता चल जाएगा कि हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो यूजफुल है भी या नहीं. ठीक है, इसके अलावा रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से और क्या कर सकते हैं? द ट्विन टेक्नोलॉजीज कैन ऑल्सो हेल्प अस मैप द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. जस्ट एज आई सेड अर्लियर, द रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस कैन आर यूजफुल इन असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन प्लांट हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी. एंड इफ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस, यू कैन रेफर टू पार्ट 3 ऑफ दिस लेक्चर. ओके, द इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक शॉर्ट में आई विल जस्ट टेल यू दैट सिक प्लांट्स एंड हेल्दी प्लांट्स and plants who are affected by air pollution or carbon dioxide level or high temperature or drought conditions have different spectral temperature. So by comparing the spectral temperature of a plant under stress due to climate change and by comparing this spectral signature, with a healthy plant that has not been impacted by the climate change, you can have an idea of how much impact climate change is having on plants in one particular ecosystem. Okay? तो अगर अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग स्पेक्ट्रल सिग्नेचर होता है, जो प्लांट को क्लाइमेट चेंज की वजह से इम्पैक्ट हुआ होगा, ड्रॉट है या फिर उसको एयर पोल्यूशन से इम्पैक्ट हुआ है, या फिर उसको हाई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल से इम्पैक्ट हुआ है, या हाई टेम्परेचर से इम्पैक्ट हुआ है, उसका स्पेक्ट्रल सिग्नेचर अलग होगा, हेल्दी प्लांट का अलग होगा. इन दोनों को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो असर है वो प्लांट वेजिटेशन पे कितना हो रहा है. ठीक है, रिमोट सेंसिंग से हम ये डेटा को सेंस कर लेते हैं, उस डेटा को फिर हम एडिट करते हैं और फाइनली उसको मैप पर लाते हैं. तो जीआईएस से हमें दिख जाता है कि किस एरिया में किस जगह पर कहाँ क्या इम्पैक्ट हो रहा है. ठीक है,
पार्ट थ्री जो है इस लेक्चर का, उसमें और डिटेल में दिया गया है, तो उसको पढ़ लीजिएगा। या ये पार्ट फाइव है। दिस इंफॉर्मेशन कैन देन बी यूज टू डिजाइन स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड वंस यू नो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन सर्टन इकोसिस्टम्स एंड सर्टन वेजिटेशन, देन यू कैन डाइवर्ट योर एफर्ट टू दोज इकोसिस्टम्स एंड वेजिटेशन एंड डिजाइन स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली रदर देन शूटिंग एरोज इन द डार्क, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज टू मॉनिटर ग्लोबल कार्बन अपटेक इन वेजिटेशन एंड हेल्प पिन पॉइंट एरियाज मोर सीरियसली अफेक्टेड बाई एलिवेटेड सीओ टू लेवल्स। नाउ हियर, सम प्लांट्स डू वेल व्हेन देयर इज एन एलिवेटेड सीओ टू लेवल, अदर्स माइट नॉट। ओके, ऑल्सो सम प्लांट्स हु डू विच डू वेल एट एलिवेटेड सीओ टू लेवल्स विल नॉट डू सो वेल आफ्टर अ थ्रेशहोल्ड लेवल इज अचीव्ड। So all this data, plant growth and all this data can be compared from a healthy plant which has not been affected by elevated CO2 levels and of the same species, and the spectral signatures can be compared to see which vegetation is being more negatively affected, pinpoint ecosystems or areas or geographical areas which are more seriously affected by elevated CO2 levels, and then divert your resources and your research towards those areas. So इसमें क्या होता है, कुछ जो प्लांट्स हैं वो अगर सीओ टू लेवल थोड़ा सा एलिवेट हो गया तो वो अच्छा हेल्दी परफॉर्म करेंगे, लेकिन ज्यादातर प्लांट्स हेल्दी उतना परफॉर्म नहीं करेंगे अगर सीओ टू लेवल ज्यादा बढ़ गया तो, क्योंकि उससे और टेम्परेचर वगैरह भी बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ेगा। इसके अलावा सीओ टू लेवल जब बढ़ेगा तो एक सर्टन एक्सटेंट तक प्लांट अच्छा परफॉर्म करेंगे उस हाई सीओ टू लेवल में, पर जब सीओ टू लेवल एक थ्रेशोल्ड लेवल जो एक चौखट है उसको क्रॉस कर जाएगा, तो उसके बाद वो प्लांट जो अब तक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे हाई सीओ टू लेवल में वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। ये सारे चेंजेस अलग अलग इकोसिस्टम्स में देखने को मिलेंगे। सो रिमोट सेंसिंग से हम अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग प्लांट्स को स्टडी करके और फिर उसको एक हेल्दी वेजिटेशन से कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या असर हो रहा है, और हमें अगर एक बार पता लग गया कि एलिवेटेड सीओ टू लेवल से क्या असर हो रहा है तो हम अपने रिसोर्सेस को, अपनी रिसर्च को उस तरफ डाइवर्ट करेंगे। हवा में या अंधेरे में तीर मारने की जगह हमें पता है प्रॉब्लम एरिया कौन सा है तो हम उस तरफ अपने रिसोर्सेस को डाइवर्ट करेंगे, तो इससे पैसा समय मेहनत सब कुछ बचती है क्योंकि हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम एरिया का पता चल जाता है, ठीक है। लैंड सरफेस टेम्परेचर विच इवेंचुअली इन्फ्लुएंस ग्लोबल क्लाइमेट कैन आल्सो बी मॉनिटर्ड यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड लेटर मैप्ड यूजिंग जीआईएस। आई जस्ट शोड यू लैंड सर्फेस टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड, इट इज बींग मेजर्ड बाई नासा एंड मैप्ड यूजिंग जीआईएस। वंस मोर सीवियस सॉरी Once more severely affected areas are identified, appropriate environmental policies and land use planning strategies can be implemented towards restoration of degraded ecosystems and landscape. तो एक बार आपने पता कर लिया कि seriously affected areas कहाँ हैं, तो वहां पे appropriate environmental policies उन जगहों के लिए बनाए, कि सरकार कहे कि भाई इन जगहों पर ज्यादा affect हो रहा है, हम ऐसी policy बनाएंगे, हम ऐसा पैसा खर्च करेंगे, हम extra grant देंगे कि उन जगह का ecological restoration हो सके। और सिटी प्लानिंग या लैंड यूज प्लानिंग जो कि अलग अलग कंट्रीज अपने अपने लेवल पे करते हैं, वहां पर भी हम देखेंगे कि भाई इस लैंड को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उसके या तो हम उसके रेस्टोरेशन पे काम करें, या फिर अगर हमें लगता है कि वो रिस्टोर नहीं हो सकता तो जो एरिया कम अफेक्टेड है उस पर ज्यादा काम करें, और जो रिस्टोर नहीं हो सकता उस लैंड को किसी और तरह से यूज करें। तो लैंड प्लानिंग स्ट्रेटजीज जो है, लैंड यूज प्लानिंग स्ट्रेटजीज को भी हम सही तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें प्रॉब्लम एरियाज पता लग गए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम एरियाज को हम जानते हैं कि हम रिस्टोर कर सकते हैं, कुछ को शायद नहीं भी कर सकते हैं, कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं भी है, तो वो सब कुछ हम इस टेक्नोलॉजी से रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की मदद से कर सकते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन दिस लास्ट लाइन। सो वंस यू नो दैट द मोर सिवियरली अफेक्टेड एरियाज यू कैन डिजाइन एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज टू हेल्प एंड दोज सिवियरली अफेक्टेड एरियाज to bring about ecological restoration in those severely affected areas. There could be areas that are so severely affected that maybe you cannot revert those changes. So then you can use that land for some other kind of work, right? So once a land has been degraded to a point that it can never be restored, maybe you can use that land for some other purpose and divert your resources to the land that can still be restored. So all kinds of land use management planning strategies, environmental strategies can be devised based on the study of climate change as done by GIS and remote sensing. Okay, and there could be one more thing. So when you do a study in the lab, it's an in situ study with lab conditions, and then you can
कंपेयर दैट स्टडी विद द एक्चुअल रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस स्टडी. तो कभी कभी हम लैब में कुछ स्टडी करते हैं, जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एलिवेट कर दिया एक लैब में, एक ग्रीन हाउस में, और फिर हमने देखा कि प्लांट में क्या चेंजेस हो रहे हैं. पर रियल लाइफ में जीआईएस और रिमोट सेंसिंग से हमें क्या पता लगता है कि वहां पे एलिवेटेड CO2 लेवल जहां जहां पे देश में ज्यादा है वहां से उससे क्या प्लांट को इफेक्ट हो रहा है. तो रियल लाइफ स्टडी वर्सेज लैब स्टडी को कंपेयर भी कर सकते हैं. तो ये सब फायदे भी रिमोट सेंसिंग और जीआईएस से होते हैं. ठीक है, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के लिए इस लेक्चर में इतना ही. अगले वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का वेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल हो सकता है. आज के लिए इतना ही. आई होप व्हाट वी डिस्कस टुडे वाज प्रीटी क्लियर टू यू. थैंक यू. जय हिंद, जय भारत. एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. एंड ऑल द इम्पोर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू टू रेफर टू. एंड थैंक यू, सी यू अगेन.